गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जूस की दुकान के संचालकों पर आरोप लगा है कि वो जूस में मानव पेशाब मिलाकर बेच रहे थे। पता चलने पर स्थानीय लोगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और उन्हें भीड़ से बचाया गया। इस दौरान पुलिस की तरफ से दुकान की जब जांच की गई तो एक केन में मानव मूत्र बरामद हुआ। इसे लेकर जब पूछताछ की गई तो जूस विक्रेता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मामले में दुकानदार आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला थाना लोनी बॉर्डर इलाके का है। तो तीन तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, लोगों ने जो हंगामा किया और जिस तरह से बोतल में ये यूरिन पाया गया, 1 लीटर के आसपास ये यूरिन बताया गया, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। और आरोपी की जब पिटाई की गई, आसपास के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला इस हरकत के बाद, और आमिर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक केन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बालअपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद से। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, वाकई शर्मनाक ये घटना है, हैरान कर देने वाली है और सावधान कर देने वाली है, साथ ही डरा देने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर जाकर जूस पीते हैं और ये सोचते हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद वाकई ये हैरान करता है। पुलिस ने अभी तक लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए क्या क्या कार्रवाई आरोपी पर की है? जी बिल्कुल श्रीनम, आपको बताना चाहूंगा कल देर शाम का ये पूरा वाकया है थाना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का, जहां खुशी नाम से एक जूस की दुकान थी। वहां जो संचालक था वो आमिर था। आमिर, ये आरोप लगाया गया कि आमिर जो है जो वहां जूस पीने लोग बाग आते हैं उन्हें मानव मूत्र पिलाकर वो जूस पिलाता है। ये पता खेस खुला था तब हुआ जब एक व्यक्ति वहां जूस पीने के लिए गया और उसने देखा कि दुकान के भीतर जो काम करने वाला नाबालिग लड़का है वो एक कैन के अंदर बाथरूम कर रहा है, पेशाब कर रहा है। इस बात को लेकर वहां पर जमकर हंगामा हुआ, दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन वहां से बरामद भी हुई है तकरीबन 1.5 लीटर जो है मानव मूत्र वहां से बरामद भी हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल भी की। हालांकि आरोपी आमिर और उसके जो साथी है दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, भीड़ को भी शांत कर दिया गया है। लेकिन शीनम, दो बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं जिनका जवाब आम जनता भी जानना चाहती है। अब तक के जो भी मामले हैं, चाहे वो थूक लगाकर रोटी बनाने का हो, चाहे ये मूत्र मिलाकर पेशाब पिलाने वाला मामला हो, दोनों ही मामले में आमिर मिलता है, अमित नहीं मिलता है, शहजाद मिलता है, संतोष नहीं मिलता है। यानी कि एक ही जाति विशेष धर्म के लोग होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनकी ये सोच कहां से आई, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिसको लेकर खासा बवाल भी हुआ था अगर आपको याद हो, जिस दौरान कांवड़ यात्रा चल रही थी उस दौरान ये कहा गया था जो भी जो संचालक होंगे, दुकान के संचालक होंगे, चाहे वो ठेले वाले हों, वो अपना नाम लगाएंगे और नाम के बाद वो बताएंगे किस जाति से वो बिलोंग करते हैं, ताकि जो खाने पीने की वस्तु है आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से खड़ा कर ले। हालांकि बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से दुकान का नाम जो है वो खुशी है और चलाने वाला आमिर है और उसमें जिस तरीके से मानव मूत्र मिला के जूस पिलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े होते हैं जिनको लेकर एक बार फिर ये मांग उठने लगी है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, जो बीच में मुद्दा उठा था कांवड़ यात्रा के दौरान जो मुद्दा उठा था कि सभी अपना नाम और जाति लिखेंगे, जिससे कि जिसको कोई खाना पीने की जो वस्तु खरीदनी है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीद पाए। अमित, क्या वहीं पर मौजूद है इस वक्त? खुशी जूस एंड शेक इस शॉप का नाम बताया जा रहा है, खुशी जूस एंड शेक नाम से ये दुकान चलाई जा रही थी। अगर आप वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त तो जरा एक बार तस्वीर भी दिखाइएगा, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए सावधान कर देने वाली खबर है कि ऐसी जगहों से आपको जूस नहीं पीना है। बिल्कुल
बिल्कुल फिलहाल मैं लोनी में ही हूँ, लेकिन मुझसे कुछ ही दूरी पर वो दुकान है। हालांकि अभी थोड़ी समय वहाँ पहुँचने में हमें लगेगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा विजुअल में आप साफ तौर पर देखते हैं जो दुकान का नाम है वो खुशी जूस एंड शेक कॉर्नर है। खुशी जो कि एक अलग ढंग से लगा हुआ नाम नजर आता है, वही दूसरी जो इसका संचालक था वो आमिर था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह के जितने भी वाक्य हुए हैं, चाहे वो रोटी पे थूक लगाने का हो, चाहे वो सहारन पे मामला है, चाहे मुजफ्फरनगर से आए, चाहे बिजनौर से आए, चाहे गाजियाबाद से, चाहे ग्रेटर नोएडा से, इन तमाम मामलों में एक विशेष जाति धर्म के लोग ही पाए जाते हैं। आमिर मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इससे पहले भी हमने देखा कि एक धर्म विशेष के लोग इस तरह की हरकत करते हैं और इस पर कड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है ताकि ये आने वाले वक्त में एक नजीर बने। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से बच्ची के मौत के मामले को लेकर खुलासा हुआ है, डॉक्टरों ने हार्ट अटैक इसकी मौत की वजह बताई है। खेलते वक्त 3 साल की छात्रा की मौत हो गई थी, स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्ची खेल रही थी और अचानक से बच्ची की मौत हो गई थी, 3 साल की बच्ची, और अब वजह बताई गई है कि हार्ट अटैक की वजह से बच्ची की मौत हुई। तो छोटी सी बच्ची जो प्लेग्राउंड में खेल रही थी और अचानक से मौत हो गई। नितिका दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, छोटी सी बच्ची जिसकी मौत हो गई थी, अब बड़ा खुलासा ये कि उसकी भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। जी देखिए, कल सुबह का ये मामला है मौलपुर स्कूल महानगर में स्थित है लखनऊ में। यहाँ पर ये बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते बच्ची देखे, जिसके बाद जो स्टूडेंट है उन्होंने स्कूल प्रशासन को इंफॉर्म किया। स्कूल प्रशासन आने वाले में बच्ची को पास में फातिमा हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर वहाँ परिजन पहुंचे, परिजनों को बोला गया कि बच्ची को चंदन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। फिर बच्ची को चंदन हॉस्पिटल लेके तो वहाँ पर बच्ची को कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत बताया गया। ये घटना बहुत शॉकिंग है क्योंकि बच्ची 3rd क्लास की थी और इतने छोटे बच्चों में जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ये एक शॉकिंग घटना लखनऊ से आई है क्योंकि माउंट फोर्ड की बच्ची थी 3rd क्लास की, कल दोपहर के समय स्कूल के समय ये घटना हुई थी। और जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि काफी कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट की बात होती है, लेकिन ये केस ऐसा आया है। तो अब देखा जा रहा है कि बच्चे उनमें हार्ट अटैक की बीमारी और हार्ट अटैक की वजह से मौत होने की बात अब सामने आने लगी है, ये काफी चिंताजनक बात भी है। और इस उम्र में इस तरह के लक्षण होना वैसे तो संभव नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बीमारी हो रही तो उसके पीछे और। ठीक है नीतिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो ये बच्ची दरअसल 3री कक्षा में पढ़ती थी, 3 साल की बच्ची नहीं बल्कि 3री कक्षा की ये बच्ची जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। खेलते वक्त अचानक से मौत हो गई थी और अब डॉक्टरों ने इसकी वजह हार्ट अटैक बताई है। कानपुर में ट्रेन में छेड़खानी पर पिटाई करने के मामले को लेकर नाबालिग पीड़िता ने बयान दर्ज कराए हैं। पीड़िता ने बताया कि 1.25 घंटे तक छेड़खानी की गई। आरोपी की मौत के बाद जीआरपी ने जांच बंद की। यात्रियों ने आरोपी की पिटाई की थी, रेलकर्मी की पिटाई से मौत हो गई थी। तो रेलकर्मी की पिटाई से मौत हुई थी, यात्रियों ने आरोपी की पिटाई की थी, ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। ट्रेन में छेड़खानी पर पिटाई की गई है,